भारतीय इतिहास में एक से बढ़कर एक योद्धा पैदा हुए हैं। देश के खातिर इन क्रांतिकारियों ने अपने प्राण तक निछावर कर दिए। 1857 की क्रांति के पहले से लेकर देश आज़ादी तक कई क्रांतिकारियों ने अंग्रेज के खिलाफ अपने अपने तरीके से जंग लड़ी थी। अंग्रेजों से जंग लड़ने वाले एक क्रांतिकारी टंटिया भील भी थे। टंटिया भील का जन्म 1840 के करीब मध्य प्रदेश के खांडवा गांव में हुआ था। टंटिया भील का असली नाम तेंद्रा भील था। वो एक ऐसे योद्धा थे जिसके वीरता को देखते हुए अंग्रेजों ने उन्हें इंडियन रॉबिन हुड का नाम दिया था। देश की आज़ादी के जननायक और आदिवासियों के हीरो टंटिया भील के वीरता और अदम्य साहस से प्रभावित होकर तात्या तोपे ने उन्हें गोरिल्ला युद्ध में परंपरागत बनाया था। वो भील जनजाति के एक ऐसे योद्धा थे जो अंग्रेजों को लूटकर गरीबी की भूख मिटाने का काम करते थे। तांतिया जी ने गरीबों पर अंग्रेजों की शोषण नीति के खिलाफ आवाज उठाई थी। इसके चलते वो गरीब आदिवासियों के लिए मसीहा बनकर उभरे थे। आज भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई आदिवासी घरों में तांतिया भील की पूजा की जाती है। तांतिया भील केवल वीरता के लिए नहीं बल्कि सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए भी जाने जाते थे। उन्होंने गरीबी और अमीरी का भेदभाव मिटाने के लिए हर स्तर पर कई प्रयास किए थे। इसलिए वो आदिवासी समुदाय के बीच मामा के रूप में भी जाने जाने लगे। आज भी भील जाति के लोग उन्हें तांतिया मामा कहलाने पर गौरव महसूस करते हैं। तांतिया भील जी को उनके विद्रोही तेवर के चलते कम समय में ही बड़ी पहचान मिल गई थी। तांतिया जी का स्वभाव उनके नाम की तरह ही था, जिसका शब्दार्थ होता है झगड़ा। अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के बावजूद तांतिया मामा के कारनामों के चलते अंग्रेजों ने उन्हें इंडियन रॉबिन हुड का नाम दिया था। आदिवासियों के विद्रोह की शुरुआत 1757 के पलासी युद्ध के ठीक बाद शुरू हो गई थी और ये संघर्ष 20वीं सदी की शुरुआत तक चला था। सन 1857 से लेकर 1889 तक तांतिया भील ने अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा था। वे अपने गोरिल्ला युद्ध नीति के तहत अंग्रेजों पर हमला करके किसी परिंदे की तरह ओझल हो जाते थे। तांतिया भील जी के बारे में कहा जाता है कि उन्हें अलौकिक शक्तियां प्राप्त थी। तांतिया जी के इन शक्तियों के कारण अंग्रेजों के 2000 सैनिक भी उन्हें पकड़ नहीं पाते थे। तांतिया जी देखते ही देखते अंग्रेजों के आंखों के सामने से ओझल हो जाते थे। इसके अलावा उन्हें सभी तरह के जानवरों की भाषाएं भी आती थी। आखिरकार कुछ लोगों के मिली भगत के कारण वे अंग्रेजों के पकड़ में आ गए और 4 दिसंबर 1989 को उन्हें फांसी दी गई। फांसी के बाद अंग्रेजों ने तांतिया मामा जी के शव को इंदौर के निकट खांडवा रेल मार्ग पर स्थित पातालपानी या कालापानी रेलवे स्टेशन के पास ले जाकर फेंक दिया था। इसी जगह को तांतिया मामा जी के समाधि स्थल माना जाता है। आज भी सभी रेल चालक पातालपानी पर तांतिया मामा जी को सलामी देने के लिए कुछ क्षण के लिए ट्रेन रोकते हैं। मध्य प्रदेश के हीरो तांतिया मामा जी के जीवन पर आधारित एक फिल्म तांतिया भील भी बन चुकी है। जिस तरह हमारे देश में एक से बढ़कर एक योद्धा थे, ठीक उसी तरह कुछ देशद्रोही भी थे जिसके कारण अंग्रेजों ने इतने सालों तक भारत पर हुकूमत चलाने में सफल हुआ था, नहीं तो वह इन बहादुरों के आगे टिक नहीं पाते, है ना।